चुके हैं, मुझे पैरों के निशान मिल चुके हैं। कितने बड़ा वो पक्षी है आप देख सकते हैं, देखिए। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं जंगल के बीचों बीच, हमारे उस तरफ बहुत ही घना जंगल है और मैं नजारा आपको दिखा देता हूँ। तो अभी बहुत बढ़िया नजारा है यहाँ का यार, चारों तरफ जंगल है। मैं एक बार आपको टर्न करके दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ लगता है पूरा नजारा, चारों तरफ जंगल और गंगा जी के बीचों बीच हम लोग घूम रहे हैं इस खूबसूरत जगह पर। So, बहुत ही खूबसूरत सजेट हमने देखा। अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं वीडियो के बारे में नहीं डालने वाला हूँ। गंगा जी के बीचों बीच है हम लोग और चारों तरफ और हमारे अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है। पूरा लाइक फॉरेस्ट है, पूरा मैदान है, चारों तरफ पानी ही पानी है। ये खूबसूरत जगह है मेरे होम टाउन में और यार बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और अभी लगभग हमको 8 किलोमीटर आगे और जाना है। सो राइट नाउ वी आर गोइंग ऑन दैट आइलैंड विच इज़ देयर राइट देयर, यू कैन सी। Bird watcher and it's a big bird, biggest yeah. bird. What is name? I don't even know what they are. They're massive. Yeah, they're massive. look at them. They're huge. बहुत ही ज़्यादा बड़े पक्षी हैं और देखिए यहाँ भी उड़ रहे हैं। और वो जो पक्षी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो इतने बड़े हैं लाइक मेरी हाइट से भी ज़्यादा। मेरी हाइट है 5 फीट 11 इंच और विल की हाइट है 6 फुट और मुझे लग रहा है कि वो विल से भी ज़्यादा लंबे हैं। वहाँ है वो पक्षी, आप देख पा रहे होंगे वहाँ हैं और बहुत बहुत ज़्यादा बड़े हैं यार। एक बार पास चल के देखते हैं उनके। Yes, this place is heaven for birds because यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राउंड है। आप देख पा रहे होंगे गंगा जी हैं चारों तरफ, सामने जंगल है और यार वहाँ है उसकी हाइट इतनी ज़्यादा, यार मुझसे भी कहीं ज़्यादा हाइट है उसकी, यार मुझे लग रहा है बिल से भी ज़्यादा हाइट है। तो एक बार वहाँ चल के देखते हैं, शायद वो उड़ना जाएँ तो एक बार। देखिए वो अलर्ट हो गए हैं थोड़ा थोड़ा, तो अभी वहाँ जाते हैं और शायद मैं आपको एक क्लोज लुक देख पाऊँ उनका, तो चलते हैं। They are longer than you. Yeah. Yes. Did you saw such species I've before never seen this? Species. Yeah. I think they're a new type or species or something. Really? Yeah. Oh. Discovered. Yes, we have discovered. A new species. Yes. एक बार उनके मुझे पैरों के निशान मिल चुके हैं, कितने बड़ा वो पक्षी है आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ है पैरों का निशान, ये रहा ये और ये मेरे पैर का निशान है, तो लाइक ऑलमोस्ट बराबर ही है। और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ अपनी बायनोकुलर से कि कैसा है, एक बार करके देखते हैं, एक बार कैमरा को क्लोज। अरे वाह, सोचा नहीं था यार ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप यहाँ आते हैं तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख सकते हैं जैसा कि हम देख रहे हैं। सफ़र एक बार फिर से शुरू हो चुका है यार और पसीने आ गए क्योंकि भागे बहुत ज़्यादा थे हम लोग, गर्मी काफ़ी हो गई, औरों को भी गर्मी लग रही है, बिल को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मुझे भी लग रही है और बिल्कुल को भी लग रही है और हमारे अभिनव को भी लग रही है, राजू भाई को भी गर्मी लग रही है और हमारे
गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी हमारा सफर बाकी है। अभी यार ऑलमोस्ट रात हो चुकी है और अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं है, बीचों बीच है, ना उधर कुछ दिख रहा है ना इधर कुछ। मेरा होम टाउन भी यहाँ से बहुत दूर है, क्योंकि हमको आने में इतना वक्त लग गया, तो आप सोच सकते हैं कितना दूर हमको जाना है। अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन हमको वहाँ पहुँचना ज़रूर है। हाँ, वहाँ खेतों में कुछ लोग काम कर रहे हैं और इतनी रात को भी यार ये लोग इतना मेहनत करते हैं। और ये हमारे किसान भाई हैं जो हमारे लिए खाना उगाते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इनकी मेरी नज़र में। और बस थोड़ा सा दूर रह गया है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा दूर है। देखते हैं दिन छुपने से पहले, दिन तो ऑलमोस्ट छुप ही चुका है, आप देख सकते हैं पीछे सूरज छुप चुका है, ऑलमोस्ट रात हो चुकी है। और अभी ना आपको मज़ा आ रहा है पूरे सफ़र में, और यहाँ हमारे राजू भाई हैं ये भी मज़ा ले रहे हैं पूरा, और बहुत ज़्यादा मज़ा लेते हुए आए हैं। वो जो बर्ड तुमने देखी बहुत ज़्यादा बड़ी थी यार, सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी छतरी होती होगी, लेकिन थी। और हमारे जो कप्तान साहब हैं वो पूरी ताकत के साथ हमारी इस नौका को लेकर के जा रहे हैं। A few moments later. क्या प्रॉब्लम हो गई है कि जो इंजन है हमारा बंद हो गया है, और मैं आपको बता नहीं सकता यार कि लाइक वो जगह बहुत तो पास थी जहाँ मैं पहुँचना है, सामने वो आश्रम दिख रहा था, लेकिन अभी सब कुछ बंद हो चुका है। लाइट बिल्कुल है हमारे पास, हालांकि बैटरी है, लाइट है, और ऐसा पता चला है मुझे फोन पे, हालांकि ये कहने में बहुत ज्यादा फनी होगा, लेकिन ऐसा पता चला है मुझे कि पीछे बारिश हो रखी है, बहुत ज्यादा बारिश हो रखी है, तो कह नहीं सकता यार क्या होने वाला है बेसिकली। तो अभी हमारा स्टीमर बह रहा है पानी की तरफ, भैया विल लाइक टू सी समथिंग, व्हाट डू यू थिंक? वी स्ट्रैंडेड नाउ एंड दिस वीर एरिया प्लेस इज क्वाइट स्कैरी, राइट? या नाउ इट्स गेटिंग स्कैरी, या इंजन हैज स्टॉप वर्किंग, सो वी स्टक नाउ, बट वी डिडंट मेक इट टू द बाबा। हां यस सी, बट यू नो I love all my family. तो इस हद तक डरे हुए हम लोग, लेकिन कुछ पता नहीं यार कि अब क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि अनूप शहर यहाँ से काफी दूर है जो कि मेरा होम टाउन है, और जो जगह हमें जानी थी वो आश्रम की लाइट हमें दिख रही है लगभग वो 1 किलोमीटर दूर है, लगभग यहाँ से 1.25 घंटे का रास्ता है, और ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, और जो इंजन है वो काम नहीं कर रहा, तो अब समझ में नहीं आ रहा यार क्या सीन है। अब मतलब मैं हंस रहा हूँ बेसिकली, लेकिन मुझे डर लग रहा है, उतना ही डर लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ, शायद आप मेरी जगह होते तो उस चीज़ को आप समझ पाते। Hey, what do you think? You are not scared, right? I'm scared now. I'm scared. No, you are not scared. No. Just say, all is well. Yeah, all is well. All is well. Yeah. All is well. Just, all is well. वही बस दिल को समझाने वाली बात है, all is well, but there's nothing like to feel well here. तो अब यार समझ से तो बाहर है, अब देखते हैं क्या होता है आगे. 1 hour later. तो फाइनली स्टीमर हमारा शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या पूरी रात हो चुकी है, चारों तरफ कुछ दिख नहीं रहा है इस नदी के अंदर, और लाइट जली हुई है स्टीमर की, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। Will, what do you think? I feel blessed that engine has started again. Yes. And we can now make it back safely. Yes. But I was worried for a sec. We all are worried about it. We all are worried. We couldn't get the engine started for like an hour. Yeah. And I had to piss in a bottle. तो बहुत ज़्यादा डर गए थे हम लोग, लेकिन अभी ठीक लग रहा है यार। और अब हम लोगों को पहुँचना है सीधे घर पे, वहाँ हालांकि नहीं पहुँच पाए, लेकिन रास्ते में हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया, और इतना ज़्यादा एडवेंचरस रहा ये एक्सपीरियंस हमारे लिए कि बता नहीं सकता हूँ आपको। We didn't panic. We stepped calm and we fixed the engine. Yes.